नरेश जाट को अंतिम विदाई। जी हाँ, 4 दिन तक नरेश जाट का पार्थिव देह जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रहा। क्या है पूरा मामला आपको बताएं, उससे पहले आपको ये बताएं कि आज एडीजी सीआरपीएफ सहित दो आईजी सीआरपीएफ के और पुलिस कमिश्नर जोधपुर रवि दत्त गौड, डीसीपी ईस्ट अमृता दोहन और हनुमान बेनीवाल पुखराज गर्ग, तमाम लोगों ने वार्ता की। वार्ता के बाद नतीजा निकला और फिर सहमति बनी उन तमाम मांगों पर जिनको लेकर 4 दिन से नरेश जाट का शव जोधपुर के मथुरादास महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा था। दरअसल सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज थे और उन्होंने अपनी पत्नी खुद को और एक बेटी को अपने क्वार्टर में बंद कर लिया और वहां से हवाई फायर किए। उसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। लगभग 18 घंटे तक समझाइश का दौर चला। समझाइश नहीं होने के चलते आखिरकार नरेश जाट ने खुद को गोली मार ली। उसके बाद नरेश जाट के शव को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। यहाँ नरेश जाट के परिजनों ने आरोप लगाए सीआरपीएफ के जवान अधिकारियों पर। वहीं नरेश जाट के कुछ वीडियो भी सामने आए जिस पर उन्होंने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया और वीडियो में कहा कि उन्हें न्याय हनुमान बेनीवाल दिलाएंगे। बात हनुमान बेनीवाल तक पहुंची। हनुमान बेनीवाल, पुखराज गर्ग, संपत पूनिया, राजू खोजा सहित आरएलपी के कई लोग वहां पहुंचे। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में हनुमान बेनीवाल खुद धरने पर बैठे। 2 दिन तक हनुमान बेनीवाल ने यहां धरना दिया। आज 3रे दिन वार्ता चली। हनुमान बेनीवाल ने मांग की कि नरेश जाट की पत्नी को पेंशन दी जाए या उन्हें नौकरी दी जाए, बच्ची की शिक्षा का खर्च उठाया जाए, अनुकंपा नियुक्ति हो, आर्थिक पैकेज दिया जाए। वहीं और भी कई मांगें थी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इन मांगों पर आज वार्ता चली। लगभग 2 से 3 घंटे तक वार्ता के बाद पॉजिटिव उसका नतीजा निकला और फिर पार्थिव देह को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल से अंतिम विदाई दी गई। साथ ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो वहीं नरेश जाट अमर रहे के नारे भी लगे। हनुमान बेनीवाल ने यहां नरेश जाट के शव को कंधा दिया और बताया कि एक बाप के लिए इससे बड़ा वज्रपात कोई हो नहीं सकता। उसके बाद उनके शव को उनके पैतृक गांव राजोला ले जाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं जोधपुर पुलिस ने इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज की है और मामले में जांच शुरू कर दी है।